आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इलेक्ट्रॉनिक लैब में। आज हम लोग भिगार्ड कंपनी का, हमारे पास एक स्टेपलाइजर है जिसका प्रॉब्लम है कि इनपुट सप्लाई आ रहा है लेकिन आउटपुट सप्लाई ये नहीं दे रहा है। अगर इस तरह का समस्या है तो इस तरह का स्टेपलाइजर में कॉमनली दो प्रॉब्लम्स आते हैं, दो तरह का प्रॉब्लम्स आते हैं जो अंदर में दो डिवाइसेस से खराब होने के चांसेस रहते हैं। उसको हम लोग रिप्लेस करके देखेंगे और इसको सही करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें, यहाँ पर इस तरह का स्क्रू होंगे तीन चारों चारों तरफ से, उसको खोल लें और इसको इस तरह करके ढक्कन जो है इसको हटा दें। इजी से इस तरह का ढक्कन खुल जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस तरह का चेक क्या करना है, चेक करना, देखिए यहाँ पर दो वायर इस तरह, चार वायर इस तरह लगे होंगे, तो यहाँ पर देखना कि बीच में दो वायर होंगे। इसको इस तरह हिला डुला के इसको खींचना है। यहाँ पर एक क्या होता है, फ्यूज टाइप का होता है, तो फ्यूज टाइप में देखना, ये अगर ये ज्वाइंट है इस तरह का तो ये फ्यूज सही है, मतलब फ्यूज का प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज्वाइंट नहीं रहेगा तब वो क्या करना है, सोल्डरिंग आयरन से इसको शॉर्ट कर देना है। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो इसको क्या करें, इसको फिर से इसको डाल देते हैं अंदर से, थोड़ा लोक टाइप कर दें इसको अच्छा से ऊपर से। दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इस तरह का देखिए बोर्ड होगा, कार्डबोर्ड, ठीक है ना, कार्डबोर्ड में देखना एक बड़ा सा कैपेसिटर होगा, ठीक है, ये ज्यादा चांस ही खराब होने ज्यादातर चांसेस, इसको क्या करेंगे हम लोग चेंज कर देंगे। ये ऑलवेज देखिएगा 1000 माइक्रोफराइड का होगा और ये 50 या 40 वोल्ट का इस तरह का कुछ होगा, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग चेंज कर देंगे। क्या करना है इसको चेंज करने के लिए, सबसे पहले थोड़ा सा इसमें पेस्ट लगा देना है। पेस्ट लगाने के बाद सोल्डरिंग आयरन की सहायता से इसको ऐसे पकड़ लेंगे और धीरे धीरे इसको गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद ये ऑटोमेटिकली इसका थोड़ा खींचेंगे तो निकल जाएगा इस तरह। निकलने के बाद इसको थोड़ा क्या करें, सोल्डर को हटा देंगे ताकि मेरा होल दूसरा लगाने वाला पर इजी हो। नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखेंगे लगाने से पहले। देखिए हम जो निकाले थे वो 1000 माइक्रोफैड का 25 वोल्ट का है, तो आप इससे हायर वैल्यू का भी लगा सकते हैं, जैसे 1000 माइक्रोफैड 50 वोल्ट 60 वोल्ट का लगा सकते। देखिए हमारे पास एक है 1000 माइक्रोफैड का है लेकिन ये 50 वोल्ट का, तो ये काम करेगा क्योंकि इससे अधिक वोल्ट पर है। कम वोल्ट का नहीं लगाना, अधिक वोल्ट का हमेशा इसमें लगाना है। आराम से इस होल में नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखते हुए निकालते समय ध्यान रखना कि इधर आपका नेगेटिव पॉजिटिव है। इसके बाद क्या करना है, इसे लगाने के बाद थोड़ा सा ये लगा के पेस्ट लगा के उसके बाद क्या करें, ये तीनों देखें प्रीसेट या ट्रिम पॉट जिसको बोलते हैं, उसको अच्छी तरह आइसोप्रोपाइल देकर इसको क्लीन कर लें, ठीक है। जैसे कि भैया हम क्लीन करेंगे इस तरह आइसोप्रोपाइल लेके इसमें थोड़ा थोड़ा मार देना है। उसके बाद ब्रश आपके पास होगा तो इस तरह थोड़ा 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 अच्छा तरह से इसको क्लीन कर देना। उसके बाद क्या करना है, पहले देख लेना कहाँ पर सेट है, उसके बाद क्या करना, तीन चार बार से घुमाना और फिर उसी प्लेस में इसको छोड़ देना, जहाँ है उसको उसी प्लेस में, पहले एक बार देख लेना उसको, तीन चार बार घुमा छोड़ देना इसको। इससे क्या होगा, जितने भी डस्ट है उसके सारे निकल जाएंगे। इस तरह करने के बाद हम इसको ऑन करके देखेंगे। इसके लोड में एक बल्ब लगा दिए हैं और इसको हम ऑन करके देखेंगे। ऑन करने के बाद भी ये आउटपुट नहीं दे रहा है, मतलब आगे कुछ दूसरा प्रॉब्लम है, इसको आगे हम लोग चेक करेंगे। तो ज्यादातर प्रॉब्लम इसमें टाइम डिले का था, टाइम डिले के लिए प्रीसेट है, इसको आप चेंज कर दें। चेंज नहीं करेंगे तो इसको अच्छी तरह से आप क्लीन कर दें इसको, इसी में प्रॉब्लम आता है। उसके बाद इससे जो कैपेसिटर लगा है, ये यहाँ पर देखिए, ये कैपेसिटर फर्स्ट में जो यहाँ पर होगा इस तरह, ये पिन वाले ये दोनों, ये अगर हाई वैल्यू के अगर खराब हो गए तो इसको चेंज रिप्लेस कर दें। रिप्लेस करने के बाद ये दोनों रिप्लेस कर दीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली वर्क हो जाए, होने लगेगा। टाइम डिले का प्रॉब्लम यही दोनों से था, ये रेजिस्टेंस गुना कैपेसिटर। और अगर आप फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो इसमें थोड़ा सा कम, जैसे यहाँ 1000 माइक्रोफैड का है तो वहाँ पर 220 माइक्रोफैड का या 400 माइक्रोफैड का, मतलब जितना लो माइक्रोफैड का लगाइएगा वो लगा दें। हमने ये दोनों चेंज कर दिया है, ये भी और ये भी, देखेंगे अब कितना सेकंड लेता, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है हमको। अगर ये हमारे पास नया नहीं था, इसको क्लीन किए हैं, अब अगर नया लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ऑन हो जाएगा। देखिए चार्ज हो रहा है धीरे धीरे, आपका एक सेकंड या कुछ एक दो सेकंड लेगा, ऑटोमेटिकली ये ऑन हो जाएगा। बल्ब लगा के रखे हैं हम लोग इसमें,
देखिए ये ऑन हो गया। तो टाइम डिले के ज़्यादातर इसमें प्रॉब्लम आता है। हमारे पास एक और है, इससे भी सेम प्रॉब्लम है। तो आप यही कीजिएगा, जो कैपेसिटर यहाँ पर लगा है आपका और ये रेजिस्टेंस, ये दोनों को चेंज कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वर्किंग होने लगेगा। और इसमें ज़्यादातर यही प्रॉब्लम आता है लगभग। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दें, साथ साथ इस चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम लोग इसको पैक कर देते हैं, पैक कर देते हैं अच्छी तरह से। इसमें चारों तरफ जो स्क्रू खोले थे उसको एक करके डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह से लॉक कर देते हैं। प्रॉपर तरह से स्क्रू से भी डाल के अच्छी तरह से टाइट कर देंगे ताकि लूज ना रहे, और लूज रहने से अगर बाबर हिलता रहेगा प्रॉब्लम आ सकते हैं। इस तरह मेरा एक जो स्टेपलाइजर है वो रेडी हो चुका है। तो आप भी अपने घर में अगर इस तरह का स्टेपलाइजर होगा तो आप रेडी ईजी से इसी प्रोसीजर से चेक करने पर आप ईजी से कर सकते हैं। एक बार फिर से इसको टेस्ट करके देख लेते हैं क्या आ रहा है कि नहीं इंडिकेशन। इसमें देखिए ऑन होगा, अभी हमारा लाइट जलेगा इसमें। तो टाइम डिले का कुछ टाइम लेता है, जो भी सेकंड है, मान लीजिए 20 सेकंड 30 सेकंड ऐसे कुछ रहता है, तो टाइम डिले का टाइम, देखिए ऑन हो गया। ऑन होने पर मेरा आउटपुट आ गया।